और गेंदबाज गेंदबाजी का छोर संभाले हैं रवि चक्रवर्ती। पहली गेंद और बीट किया बल्लेबाज चंदन धीवर को। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं चंदन धीवर, देखना यह है क्या कुछ कर पाते हैं। अच्छी गेंद थी, एक रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज और चंदन धीवर को। काफी रोमांचक होता हुआ ये फर्स्ट क्वालिफाइंग राउंड के सुपर ओवर शुभीर बल्लेबाजी पे। और सीधा उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से, विक्रम के सर के ऊपर से। देखते रह गए खिलाड़ी बने दर्शक और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इसी छक्के के साथ रन संख्या बढ़कर 7 जीत के लिए और केवल मात्र 7 रन की जरूरत है। क्लीन बॉल, काफी बेहतरीन वापसी रवि चक्रवर्ती द्वारा दाएं हाथ के गेंदबाज ड्रीम इलेवन के रवि चक्रवर्ती। काफी अच्छी वापसी, जैसे ही एक छक्का लगा उनपे उनके शरीर के अंदर एक अलग सी जोश पैदा हुआ और चलता किया सुबीर को। नए बल्लेबाज सुबीर के जगह लेने के लिए आए हैं दाहिने हाथ के उप कप्तान इंडियन लायंस के प्रीतम मंडल। शेष 2 गेंदों पे क्या कुछ कर पाएंगे प्रीतम मंडल, देखना यह है अपने टीम इंडियन लायंस के लिए। जीत के लिए 2 गेंद पे 7 रन की जरूरत है। अपने टीम इंडियन लायंस के लिए क्या कुछ कर पाते हैं प्रीतम मंडल, सामना करेंगे रवि चक्रवर्ती का। दाएं हाथ से ओवर दी विकेट, एक रन लेग बाय, इसी एक के साथ रन संख्या बढ़कर 8। एक विकेट के नुकसान पे इंडियन लायंस। अंतिम गेंदों में चाहिए जीत के लिए 6 रन। चार रन, इसी चौके के साथ खत्म हुआ सेमीफाइनल 2021 के पहले सेमीफाइनल ड्रीम इलेवन सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए। दोनों टीम के अधिनायक को मैं अनुरोध करूंगा कि आप पिच के बीच आकर टॉस कर लें। काफी नाखुश और निराश हताश होकर देखिए प्रीतम मंडल कितने भावुक हो गए अपने टीम के प्रति और रो पड़े ग्राउंड के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूंगा इंडियन लायंस के टीम के ऑनर कप्तान, सारे खिलाड़ियों से काफी अच्छी प्रदर्शन रही। और पहला बार 2021 के सदस्य बने ड्रीम इलेवन, फर्स्ट सेकंड सेमीफाइनलिस्ट 2021 बीपीएल सीजन 2। दो दल अधिनायक के अमी
টস করার জন্য মাঠের মধ্যে ডেকে নেব বেঙ্গল রাইডার্স এবং ড্রিম ইলেভেনের ক্যাপ্টেন দুই দলের অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে আপনারা